हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप अच्छे नहीं हो तो प्लीज अपना ध्यान रखो। आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक हॉल, और ये एक कलेक्टिव हॉल है, लेकिन इसका रिव्यू मैं, बाय द वे, मेकअप प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रही हूँ तो अलग अलग लुक है, तो माइंड मत करना। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं और जिनका मैं रिव्यू करने वाली हूँ बहुत जल्द। तो सबसे पहले तो हाइलुरोनिक एसिड मैंने ले ली लॉरियल से। इतने ऐड आ रहे थे इसके तो मुझे लगा ले लेती हूँ। अदिति राव हैदरी इतनी मेहनत कर रही है, तो ये इनका हाइलुरोनिक एसिड है। इसमें 1.5 हाइलुरोनिक एसिड डाला गया है। इसको मैं एक महीने इस्तेमाल करूंगी, उससे पहले रिव्यू नहीं आएगा तो मत बोलना, उससे पहले आने भी नहीं वाला है। और ये 3 साइजेस में आता है आई गेस। मैंने 499 वाला लिया, जिसमें 100 रुपए का ऑफर था या 75 रुपए का ऑफर था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। ऐसी इसकी पैकेजिंग है, और ये इसकी पैकेजिंग है। ये हाइलुरोनिक एसिड है और ये हमने खरीद लिया है, ठीक है। इस प्रकार की पैकेजिंग है, कांच की है, तो ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, बट ये ड्रॉपर आता है इसमें। प्लीज एक टिप है, अगर आप ये ड्रॉपर मिलता है आपको इस प्रकार का स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, यूं करके मत लगाओ उसको, क्योंकि बैक्टीरिया का डर होता है। मैंने देखा है कई इन्फ्लुएंसर करते हैं, बट मत क्या करो, कोशिश क्या करो कि ऐसा ना करो, ठीक है। उसके बाद ये पहला प्रोडक्ट था, तो मुझे लगा कि टेस्ट कर लेती हूँ एक महीने, फिर इस पे अगले महीने बनाऊंगी। इस महीने तो मैं तो आपके प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रही हूँ। अगला जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो है ये कलर एसेंस का गोल्ड लाइट रिफ्लेक्टिंग ड्रॉप्स हाइलाइटर। इसमें 3-4 शेड्स थे। कलर सेंस एक भारतीय ब्रांड है, ये 499 का था आई गेस। और इस प्रकार की इसकी पैकेजिंग है, इसको खोलो, इसमें लिक्विड हाइलाइटर है, क्रीमी टाइप का लग रहा है ये, थोड़ा सा स्वॉच करके दिखा, ड्राई ड्राई सा क्यों हो रखा है, ऐसा हल्का सा ड्राई ड्राई लग रहा है। ये इसका स्वॉच है, कितना दिख रहा है, लेकिन ड्राई ड्राई सा हो रहा है। ये इसकी आउटर पैकेजिंग थी, और इसमें सारी डिटेल्स वगैरह हैं। मैं इसको टेस्ट करूंगी तब रिव्यू बताऊंगी। अगला मैंने लिए मेबलिन के ये दोनों प्राइमर। मेबलिन ने 499 में 2 प्राइमर लॉन्च करे, एक ऑयली स्किन के लिए, एक ड्राई स्किन के लिए, तो मैंने कहा चलो टेस्ट कर लेंगे इसको भी। और ये ऐसा दिखता है, इस तरह की पैकेजिंग है। ये वाला जो है ये नॉर्मल टू ऑयली वाला है, ठीक है, और दूसरा है ड्राई वालों के लिए होगा ऑफ कोर्स, ये ड्राई वालों का है इस प्रकार से। ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसके भी मैंने बहुत एड देख लिए, मतलब एड इन द सेंस कि काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये है वो लिपस्टिक, रेने की फैब 5 लिपस्टिक, पॉप पुश प्ले सब बोल रहे थे इसके बारे में, मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ पॉप पुश प्ले। तो ये इसमें 1, 2, 3, 4, 5 आपको शेड्स मिलते हैं, और ये कहा जा रहा है कि काफी ट्रैवल फ्रेंडली है, आपको बहुत सारी लिपस्टिक साथ में नहीं ले जानी पड़ेगी, तो मैंने कहा चलो टेस्ट कर लेंगे इसको भी। ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, और ये लिपस्टिक है। नेक्स्ट मैंने लिए फॉरएवर 52 की नेल पॉलिश। ये शेड जो है इसका पर्टिकुलर नाम नहीं है, कुछ भी नाम नहीं है, नंबर है FNL073। तो एक डार्क, जिसको बोलते ना डार्क पिंक भी नहीं है, दबावा पिंक टाइप का है ये, एकदम चटक पिंक नहीं है, बहुत ब्राइट नहीं है, बट वैसा है। और काफी सस्ता था, तो मैंने कहा मैं थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ इसको। उसके बाद एक आई शेडो पैलेट है निका के से, ये उसकी आउटर पैकेजिंग है। इसमें 9 शेड्स आपको टोटल मिलते हैं, कुछ मैट्स हैं, कुछ शिमर लग रहे हैं मुझे, तो मैंने पर्टिकुलरली यही वाला शेड क्यों मंगाया, आप पहले भी बोलोगे, ये है वाटरमेलन स्प्लैश, क्योंकि ये हुडा ब्यूटी का ड्यूप लग रहा था मुझे। उनके और भी शेड्स हैं जो हुडा ब्यूटी जैसे लगते हैं, बट हुडा ब्यूटी के पैलेट मेरे पास ऑलरेडी थे, तो मुझे लगा मैं सिमिलर क्या मंगाना, कुछ डिफरेंट मंगाती हूँ, तो रेड वाला हुडा ब्यूटी का मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसलिए ये मंगाया। अगला मैंने लिया अर्थ राइन का लिप टिंट और जूसी केमिस्ट्री का लिप टिंट, क्योंकि मैं कंपैरिजन करना चाह रही थी कि कौन सा बेहतर है। अर्थ राइन वाला जो है वो 650 का है, और जूसी केमिस्ट्री वाला जो है वो 695 का है, 700 का ही मान लो, ऑलमोस्ट 5 रुपए कम है। जूसी केमिस्ट्री बोल रही हूँ, जस्ट हर्ब्स यार मेरे पास ना, मतलब क्या हो गया मुझे।
तो ये अर्थ राइम की पैकेजिंग है और ये जस्ट हर्ब्स की है। इसमें लिप्स जो है कार्डबोर्ड पैकेजिंग में काट के मतलब वैसा बना रखा है डिजाइन। एक बात बोलूं, जो जस्ट हर्ब्स का लिप टिंट है ना, आई डोंट नो, मैं टेस्ट करूंगी, अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन पैकेजिंग वाइज बता रही हूँ कि 700 रुपए की पैकेजिंग नहीं लग रही। इनफैक्ट ये ऐसी लग रही है जैसे सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस में नहीं आती पैकेजिंग, वैसी लग रही है। आई नो कि मतलब पैकेजिंग ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत उमदा पैकेजिंग नहीं है। मतलब ऐसे भी नहीं लग रही कि बहुत टिकेगी, इसका प्लास्टिक थोड़ा हल्की क्वालिटी का लग रहा है। जबकि अर्थ लाइन जो है उसका जो पैकेजिंग है उसकी, वो ऐसी लग रही है जैसे बचपन में एक टीन टीन के डब्बे में एक आता था लोशन, उसके जैसी। लेकिन इसकी थोड़ी सी मतलब ठीक लग रही है। ये भी कोई इन्होंने महान पैकेजिंग नहीं बनाई है, लेकिन ऐसी नहीं लग रही कि टूट जाएगी। केस जो है हल्का नहीं फील हो रहा है। प्राइस रेंज में आई नो 100 रुपए का फर्क है, शायद 150 रुपए का। और जो जस्ट हर्ब का मैंने लिया है वो है शेड ब्रिक रेड। तो ये जस्ट हर्ब्स का ब्रिक रेड है, ठीक है। और ये अर्थ राइम का शेड है, किस शेड में ये है, अहोय देयर, ठीक है। ये अर्थ राइम है और ये जस्ट हर्ब्स है, ओके। अगला जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया वो है ये रेवोल्यूशन प्रो का आई शेडो पैलेट। इसको मंगाए हुए टाइम हो गया कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को, बट मैंने सोचा हॉल में एक साथ इंक्लूड कर लूंगी। मैंने टेस्ट भी कर लिया, इस प्रोडक्ट को अच्छे से समझ भी लिया है। रिव्यू बहुत जल्दी अंग्रेजी चैनल पर जाएगा, बट क्योंकि आप लोग बोलते हो कि हॉल हिंदी चैनल पे बनाओ, तो मैं हिंदी चैनल पे हॉल बना रही हूँ। इसमें जो है जो प्राइस था, इसमें ऑफर मिल ही नहीं रहा था, 1750 रुपये का ये है। ये इसमें सारे कलर्स हैं, तो ये ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं है। एक दो कलर्स इसमें थोड़े डिफरेंट हैं, बट मोर और लेस ये न्यूड या न्यूट्रल पैलेट जिसको कहते हैं वैसा है। ये इसमें अच्छा खासा शीशा भी दिया है। तो वो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने नायका से ही मंगाए हैं, लेकिन ये मिंत्रा पर भी अवेलेबल हैं, ये इनकी अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगे। मेकअप रेवोल्यूशन के प्रोडक्ट्स आप HOK से भी मंगा सकते हो, यदि आपका नायका के साथ अनुभव अच्छा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जहां से आपका मन हो और जहां आपको बेहतर डील मिले वहां से लो। इन सब के रिव्यू का वेट करना, ऐसे नहीं कि मैंने हॉल बनाया और आप चल दिए, ठीक है, नहीं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो सब लोगों के साथ, शेयर करो यार, ठीक है। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ, बाय।